आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओ नमस्कार, सारंगी की स्वर यात्रा इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी के साथ आज हम उपस्थित हैं। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने सारंगी नवाज उस्ताद फारूख लतीफ खां। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। तो चलिए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी, सारंगी की स्वर यात्रा। श्रृंखला में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। फारूख साहब, पहली कड़ी में आपने बताया कि आपकी 4 साल राग भैरव की तालीम हुई, तो ये 4 साल राग भैरव जो आपने सीखा जी, क्या फर्क था इतना विस्तार से जो सिखाया गया आपको, थोड़ा उसके बारे में हमें तफसील से बताइए। एक्चुअली पुराने जो उस्ताद लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनका हमेशा एक वो रहता था उद्देश्य कि भाई कोमल और शुद्ध सुर। जी जी। तो एक राग इसलिए बताते थे कि उंगली में आपकी आंख लग जाए, वो गंधार पे लगे तो ऐसा लगे कि आंख लगी हुई है उंगली में। और कभी जल्दी नहीं करते थे भाई, एक बंदिश को हम 1 साल सीख रहे हैं जी, फिर दूसरी बंदिश को फिर दूसरे साल सीख रहे हैं, और एक राग आप पेशेंस से रियाज करेंगे 4 साल 5 साल तो आपकी उंगली में राग की आंख लग जाती है। इसे एक आदमी कोई किसी को दिखता नहीं, मगर बिना देखे वो यहाँ से गेट तक बाहर जाए, ऐसे ही उंगली का हिसाब है, सांस पे आंख होना चाहिए उसकी। ये आंख बंद कर कर भी रियाज कर रहा है तो सुर ऐसा लगना चाहिए सच्चा के जवाब नहीं। इसलिए बुजुर्गों की एक हमेशा ये बात होती थी कि भाई इस ढंग से तालीम दो एक एक राग को 3-4 4 साल। तो मैंने भी कोशिश की कि पिताजी से ये सीखूं, और उसमें अलग अलग बंदिशें सीखी मैंने 4 साल में जी। तो मैं आपको एक झपताल में एक बंदिश है बड़ी अच्छी, वो सुनाता हूँ, भैरव की है। स्वागत है। अल्लाह शान अल्लाह तेरो नाम लिए मोरी नूरे तजल्ला। माफ कीजिए मैं गाता नहीं हूँ, मगर हमको तालीम इस टाइप से देते हैं कि जब तक आप गा के सीखेंगे नहीं सांस पे बजा नहीं सकते। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं इसी बंदिश को सारंगी में बजाने के। स्वागत है, स्वागत है। Thank you.
क्या बात है, राग भैरव की इस सुंदर सी बंदिश को सुनकर के और भी मन आनंदित हो उठा है। फारूक साहब, कहा जाता है सारंगी ये जो साज है ये इंसान के गले के सबसे करीब है, इसके बारे में और क्या बताएंगे आप? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। और जितने भी हमारे पुराने बुजुर्ग वोकलिस्ट थे जी, वो सब सारंगी लेते थे। एक्चुअली क्या है, सारंगी गले के देखिए तो वो ही सारंगी में निकलेगा। और इसलिए सब बड़े बुजुर्गों के साथ और आज की जनरेशन के साथ सबके साथ सारंगी बज रही है। जी जी, ये उसका शुक्र है भगवान का। जैसे गायन में होता है सुरों की जो निरंतरता है जी जी, वो इसमें कायम रहती है। एक्चुअली एक बात है इस साज में कि इसका सुर सस्टेन रहता है, कभी सुर बीच में से टूटता नहीं है। जैसे जी ये सस्टेन सुर का, नहीं तो कई बार सुर टूट जाता, ये नहीं होता इसमें। जी जी, और भैरव तो इतना अच्छा राग है, सुबह 4:30-5 बजे उठ के आप इबादत करिए तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप किसी दूसरी दुनिया में हैं। तो ये भैरव राग का खूबी है। तो राग भैरव में ही एक और बंदिश सुने। जी, मैंने आपको पहले एक बंदिश सुनाई थी 3 ताल में, फिर झप ताल में जी, फिर पिताजी ने 9.5 मात्रे में भी मेरे को समझाया। मतलब भैरव में ही इतनी सारी बंदिश बताई थी। हाँ, तो वो 4 साल की तालीम यहाँ पर दिखी नहीं तो। अच्छा, आपने 9.5 मात्रा कहा तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे सुनने वालों को भी ये उत्सुकता होगी कि ये तबले पर किस ताल में निबद्ध होगा। 9.5 मात्रा ही बोलते हैं उसको तबले पे। अच्छा, एक्चुअली एक सरगम का नोटेशन है ये। जी जी जी, तो उन्हें इतनी अच्छी ढंग से तैयार करवाया था कि उससे हाथ तैयार होता है। अच्छा जी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए। और उसकी गिनती ऐसी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 9.5 मात्रा। मतलब चलन झपताल के ही अंग से होता है? नहीं, झपताल के अंग से नहीं, इसका थोड़ा अलग है, मैं आपको बताता हूँ। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बंदिश थी फारूक भाई। आपने बताया कि ये 9.5 मात्रा में निबद्ध है जी, तो जिज्ञासा जाग रही है मन में कि ये 9.5 मात्रा का कौन सा ताल है, क्या कहा जाता है? एक्चुअली वो पुराने जो उस्तादों का था कि भाई 4 साल तक एक राग की तालीम चल रही है जी जी, तो उसमें अलग अलग तालों की बंदिश होना चाहिए। हाँ, 3 ताल, झप ताल, रूपक। तो ये पिताजी ने एक दिन ऐसे ही कि भाई ये 9.5 मात्रा है, कभी कहीं अच्छे विद्वान लोग बैठे हों तो वहाँ ज़रूर बजाना। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज विविध भारती पे मुझे मौका मिला है, तो मैं इनकी ज़रूर सुनाना चाहिए जी। तो इसका 9.5 का ऐसा हिसाब है, देखिए हमको जिस ढंग से बताया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1। और यशवंत भाई आपको इसका ठेका बजाएंगे, देखिए जी। Thank you.
इस ताल को क्या कहा जाता है यशवंत भाई? जी, इस ताल का नाम सुनंद ताल है। जी जी, जिसका डिवीज़न पौने पाँच के हिसाब से चलता है। और इसमें ठेके की जो बात है तो उसमें जो भी बजाने वाले या गाने वाले होते हैं, हाँ, वो अपने तरीके से उस ठेके को निबद्ध कर देते हैं, तो उनके हिसाब से फिर हम लोग ठेका रख सकते हैं। क्या बात है। इस बंदिश के कारण इस सुनंद ताल के बारे में भी जानने को मिला। जी जी, राग भैरव के बारे में और कौन सी बंदिश? देखिए, मैंने आपको शुरू में एक तीन ताल की बंदिश सुनाई, फिर झपताल की सुनाई। जी जी, फिर ये साढ़े नौ मात्रा का एक मुखड़ा था पिताजी का, वो सुनाया। अब कोशिश कर रहा हूँ एक मुखड़ा और तीन ताल में, द्रुत में। वाह, तो मैं देखिए कोशिश करता हूँ। स्वागत है। सुंदर, क्या बात है फारूक साहब। लगता है ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, लेकिन समय की सीमा है। जी, तो जी, आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। श्रोताओं, सारंगी के इतिहास के बारे में आगामी कड़ियों में हम जानेंगे। आज यहीं तक, अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सारंगी की स्वर यात्रा, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने सारंगी वादक उस्ताद फारूख लतीफ खां, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबले पर संगत की श्री यशवंत वैष्णव ने, तकनीकी सहयोग महेश वर्मा और वंदना ठाकुर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। Da ba da ni da da, da ba da ni da.